वीकेंड लॉकडाउन को सफल बनाते हैं और बहुत ही कम संख्या में आप घरों से निकलते हैं, जब तक मजबूरी ना हो घर से ना निकलो और दिखा दी सरकार को कि इस लड़ाई में आप भी सरकार के साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। राज्य से एक बड़ी खबर है, बाल सुधार गृह पहुंचे एसडीएम और सिटी एसपी, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बाल सुधार गृह में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह संज्ञान लिया गया है। एसडीएम और सिटी एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। सिगरेट, खैनी, मोबाइल चार्जर समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बाल सुधार गृह में लगातार इस तरह की बातें हो रही थी कि वहां पर तमाम तरह के नशे के जो सामान है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वो अंदर पहुंच जा रहे हैं पता नहीं कैसे। तो इसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद जब छापेमारी की गई है तो मोबाइल के चार्जर से लेकर सिगरेट और कई तरह के नशे वाले सामान बरामद किए गए। तो ये एक बड़ी संख्या है, बता दें कि बड़ी खबर है इस वक्त की और भारी संख्या में यहां पर डुमर दंगा। याद होगा आपको कि पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बाकायदा शराब और कई चीजों का इस्तेमाल करते हुए, नशे के इस्तेमाल करते हुए बच्चे बर्थडे मना रहे थे और बाकायदा वीडियो भी बना रहे थे, याद होगा आपको। वही डुमर दंगा का ये बाल सुधार गृह और यहां पर छापेमारी हुई है और कई आपत्तिजनक चीजें यहां पर मिली हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संप्रेक्षण गृह डुमरदगा रांची, और इसी डुमरदगा में पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसी डुमरदगा बाल सुधार गृह का था कि कैसे वहां पर बच्चे जन्मदिन की पार्टी मना रहे हैं। और इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके। इमरान, डुमरदगा बाल सुधार गृह एक बार फिर से घेरे में सवालों के, और देखिए किस तरीके से फिर से आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। देखिए जिस तरह से पूर्व में न्यूज 11 भारत ने खबरें दिखाई थी कि डुमरदगा में जो बाल कैदी हैं वहां पर रहते हुए बर्थडे पार्टी बनाते हैं, ना सिर्फ बर्थडे पार्टी बनाया जाता है बल्कि नशे का भी इस्तेमाल किया जाता है, शराब के सेवन भी किए जाते हैं। इसी के शिकायत के बाद उस वक्त भी कई चीजों की मॉनिटरिंग की गई थी, कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया था, हटाया गया था और बदले गए थे। इसके बावजूद आज एक बार फिर से एसडीएम उत्कर्ष गुप्ता और सिटी एसपी सौरभ के नेतृत्व में जब एक बार फिर से छापेमारी की गई तो बाल सुधार गृह से कई जो आपत्तिजनक चीजें हैं, जो सामान है ये बरामद किए गए हैं, मोबाइल फोन बरामद किए हैं एक बार फिर से, और भी कई आपत्तिजनक सामान हैं जिसमें नशीले पदार्थ हैं वो बरामद किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से समझ में आता है कि बाल सुधार गृह में जो सुरक्षा के लिए जिन लोगों को लगाया गया है वह सभी जो है वो नाकामी है, अपने काम को सही से अंजाम नहीं देते हैं या फिर पैसे के लेन देन की वजह से ही सारी चीजों का जो एंट्री है वो आसानी से बाल सुधार गृह में प्रवेश। इमरान, आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई ये तो स्पष्ट है क्योंकि ये टीम ने देखा, खुद अपनी आंखों से देखा है, तो क्या किस पे, किसी कर्मचारी पे कार्रवाई भी हुई है, कुछ पूछताछ हुई है, क्या किसी को सस्पेंड या किस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? देखिए पिछले बार जब कार्रवाई की गई थी तो तमाम जो पुराने सुरक्षाकर्मी थे उनको बदला गया था, लेकिन इस बार चूंकि इस तरह की हरकतें हुई और एक बार फिर से अधिकारियों ने छापेमारी कर नशीली सामान सहित मोबाइल और कई चीजें बरामद किए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस अब उन तमाम पुलिस पदाधिकारियों में भी कार्रवाई करेगी जिनके जिम्मे में सुरक्षा थी बाल सुधार गृह की, जिनके जिम्मेवारी में सामानों को चेक करने के लिए लगाया जाता है उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। अभी छापेमारी हालांकि चल रही है, छापेमारी के बाद जब सिटी एसपी से हमारी बातचीत होगी तब उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और किन किन अफसरों पर इस तरह की गाज गिर सकती है। चूंकि पिछले बार में भी जो वार्डन थे उस पर सवाल खड़े उठे थे लेकिन उस वक्त कार्रवाई नहीं की गई थी, चूंकि जब जिला प्रशासन की टीम उस वक्त पहुंची थी या राज्य पुलिस की टीम उस वक्त पहुंची थी तो उस वक्त कोई आपत्तिजनक चीजें जो है वह बरामद तो नहीं की गई थी, लेकिन आज जब टीम पहुंची तो यहाँ पर से मोबाइल फोन्स बरामद किए जा रहे हैं, नशीले पदार्थ बरामद किए जा रहे हैं, इनके अलावे दूसरे चीजें बरामद की जा रही है जो कि बाल सुधार गृह के कैंपस में नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे में साफ तौर से समझा जा सकता है कि बिना वहां मौजूद कर्मचारियों के मिली भगत से ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित करके जरूर कार्रवाई की जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप और पूरी जानकारी आपने दी और नजर बनाए रखें आपकी किस तरीके से यहां पर छापेमारी की कार्रवाई पूरी होती है और उसके बाद आगे कौन सी कार्रवाइयां होती हैं, किस किस अधिकारी या कर्मचारी पर गाज गिर सकती है। बड़ी खबर